क्योंकि मेरे को आज बहुत सारा एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो क्या करें? एक एक डॉग के लिए हम 20-20 मिनट लेते हैं ना। हाँ तो 20 मिनट दे देंगे ना। आप वॉलंटियर्स को वो कर रहे हो ना, बच्चा समझ के ट्रीट जी, क्योंकि वो थोड़ी बच्ची है। जिनमें सर वो एडॉप्शन में है, वो वाइट कलर की, डॉक्टर हिमांशु पपी, इधर है, यहाँ पर है व्हाइट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नाम तुमने रखा है ना विक्की, क्या? पोकेमोन, डोरेमोन सर। हम टूपाई रखे हैं, टूपाई भी क्यूट है। ज्योति कुछ कहना चाह रही है क्या? आज रोक नहीं सकते ना, काम ज्यादा है इसलिए बस बोली। चलो, गाड़ी कैसी लगी? बढ़िया। हाँ सी हैप्पी नहीं, जैसे ये लिफ्ट कितने वजन उठा लेगी जानवरों का? 2 टन, 2000 किलो, 2 टन, 2 टन सर। ये तो एकदम मिशन पे निकले वैसा वाला फील देगी। पर अभी जैसे कई लोगों का हमारा कंसर्न था मीडिया ऑफिस में कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम गाय चढ़ा रहे हैं, वो लिफ्ट चलना शुरू हुई और गाय पैनिक कर गई और इधर उधर भाग गई, वो देखना पड़ेगा हमें। इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इनकी स्पीड उस टाइप से है ना, जैसे नवीन हो गया, रविंदर जी हो गया, साहिल, ये लोग तो बहुत तेज से तेज बैल में भी इन लोग बहुत आराम से हैंडल करते हैं और हट भी जाते हैं टाइम पे ना। कल रेस्क्यू आया कोई? आप आए थे सर? शाम को सर विंगन ने चढ़ा दिया इसके ऊपर, ऊपर चढ़ा दिया पीछे से टायर चढ़ गया, वो पपी है इसकी मदर। और ये दोनों देखिए, आप पीछे जाओ, ओ ये बड़ा क्यूट सा है, ये फीमेल है, ये आज आने वाले थे जिसकी अभी इसकी मदर को लेके आए ना साहिल रेस्क्यू करके, तो इसका लेकिन कल एक्सीडेंट हो गया, पीछे के पैर काम नहीं कर रहे हैं, स्पाइन थोड़ा सा डैमेज है, कंफर्म नहीं है ना सर कितना डैमेज हुआ, एक्सरे से ही कुछ भी। अभी तो ये उठ रही है, पिछले एक पैर पे तो प्रॉपर ले रही है वेट, एक पे लेमनेस है, एक को उठा ले रही पर वेट ले रही है उस पे भी। राधा आपको मैंने कमेंट फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप पे, भाई साहब राधा ने वो ब्रेन के लिए कहा था ना कि गुलाब जल और ग्लिसरीन, ये देसी ग्लिसरीन और वो गुलाब जल मिक्स करके अगर तुम खुद को भी लगाओ ना सर्दियों में तो देखना तुम्हारी स्किन कितनी बेटर हो जाएगी। राधा दीदी ने वीडियो में बताया हुआ रामबाण नुस्खा तो हमारे एक सब्सक्राइबर के बहुत काम आया, तो आपको एक और कारण मिल गया हमारे व्लॉग देखने का और पीपल फार्म को सब्सक्राइब करने का। मैं काफी दिनों बाद आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। मेरे को एक और चीज बतानी थी, वहाँ से बड़ी शिकायत आ रही चाचू की ना, काट रहा है सबको, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बाकी घोड़े शिकायत लगाने आए नहीं, बाकी लोग की, वो लोगों को भी काटने लग रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अल्फा मेल। देखो उनका कुछ अश्वगंधा आता है क्या घोड़ों का? अभी उसको हम थोड़ा सा सेपरेट ही रखते हैं, थोड़ा हल्का बांध के रखते हैं जब बाकी खुले रहते हैं, तो क्योंकि वो काटता है फिर ना। ये मुझे मस्का मारने में लगा रहता है कि भाई मुझे रिलीज मत करना, मुझे सैंक्चुरी छोड़ दो। अगर तेरा पैर नहीं होता ठीक तो हमें रखना पड़ेगा तुझे, ये तेरे पे है। मैं जमीन अपने पल्ले से दे दूंगा, मेरे को ऐसे लोग मिल जाए ना कि भाई जो डेडिकेट होके खुद मैनेज कर ले बाकी का सब कुछ, तो हम और एनिमल्स की कितनों की मदद कर पाएंगे। एक गाय गड्ढे में गिरी हुई है ना, हॉर्न में हल्का इंजरी दिख रहा है और बैठी है कि खड़ी है वो भी नहीं पता चल रहा मुझे। मिल गई साहिल भाई। हाँ जी भाई, ले आजा। वो आ सकती तो फिर हमें क्यों बुलाती? चढ़ाएंगे कैसे? अपने साथ या इसको रिलीज कर देंगे? भाव है ना इसके, कवर निकला है। अच्छा कवर देखते हैं एक बार। आप ऊपर करना, मैं इसको यहीं से घुमा दूंगा, हो जाएगा, यही हो जाएगा, मैं बस गर्दन उठा लेता इसकी ना। चलो बस अब रुकना, बैक वाले खींचना बस, ठीक है? और खींचो, आप एक बंदा नीचे जाओ, नीचे कर कर जल्दी आओ ना, इधर ले जाओ, कर करो इधर ले जाओ, आ जाएगी, आप ऊपर चल जाओ, प्यार से खींचना चाहिए, रस्सा खिसक गया ना इसका, ठीक है जल्दी करना भाई।
आ जाएगा। इस पर जोर रखो, दूसरे वाले पे, खड़े वाले पे जोर है। चलो बस फाइनली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद ये गाय खाई से बाहर आ गई है। बहुत ज़्यादा चोट लगी इसको। हाँ रोको ना एक जगह इसको। वो कैसे रोकूँ। थैंक यू दोस्तों यार, आप लोगों ने हमारी इतनी मदद करी। थैंक्स, आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम अपनी गाड़ी में लिफ्ट लगवा पाए हैं और अपना काम अब बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सर बहुत मजा है इसके साथ ना, पहले तो ऊपर से शूट करता रहा, फिर मैं खाई में नीचे उतरा, गाय के पीछे गया, फिर वहां से शूट करा। जब ये था कि वो बीच में फंस गई, खींची नहीं रही थी, गाड़ी वाड़ी फंस गई थी, फिर उसका कैमरा रख के फिर रस्सी खिंचवाने गया। थोड़ा अंदर करके रखना पड़ना बस, गाय खिसके ना। गाय नहीं खिसकी। ट्री डाउन स्ट्रीट क्या है? डॉग है। उन्होंने बताया कि वल्वा वाले एरिया में से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हाफ डेड है लगभग वो। ठीक है तो आप जाओ, तो आप विक्की साथ ही चले जाओ, दोनों हाँ, चीजें इकट्ठे ही हो रही है ना। हाँ उधर पड़ा हुआ था ना, वो घिसता घिसता आ गया ना यहाँ, तो इसको ना पीछे वो ब्लड चला, फिर मैंने उठा के ना यहाँ रख लिया, दूध वगैरह दिया, नहीं पिया कुछ भी। सर आप ऐसे करो, इसको ले जाओ, जब ठीक हो जाएगा हमारे को फोन करना, हम छोड़ देंगे यहीं इसको गाँव में। इसको नहीं ले जा सकते हम ना, इसको पार्वोवायरल एंथ्राइटिस लग रहा है हमें ना। अच्छा जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा फैलता है ना। जी कौन भाग गया? नई वाली ठोक भाग। अस्पताल में नए वाले में बाउंड्री वॉल इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर ये नए अस्पताल में छूटती तो अब तक ये तो बाहर की। ये छूटी कैसे? और बकरा दो बारी राजा भागा, यही धीरे से चुपके से कैनाल का गेट खोलता है बिल्ली ने। मुझे विक्की ने बताया तो अमरप्रीत को मार ही दिया। सर हम लोग तुरंत उठा के ले गए थे जब उसने अटैक किया ना, तुरंत बिल्ली को भगाया लेके गए लेकिन नहीं बचे वो। क्या हो गया? बिल्ली ने मुर्गी कहाँ पकड़ी है? अंदर रखा, अंदर रखा। हुआ क्या दक्षित भाई? बिल्ली ने पकड़ लिए थे। कौन सी बिल्ली ने? बाहर से थी। क्या भाई गया तू मुर्गी ने बचा था एक? मैं कैसे बचाऊं भाई, मैं पीछे था। कहाँ पीछे? आओ भूल गया बहाना मारने लगा पर भूल गया कि क्या बहाना। पता नहीं बिल्ली के पास गया था। ज्योति आपके सामने हुआ था मुर्गी वाला? नहीं नहीं अभी लास्ट में देखा, लास्ट उस तरफ जा ही रहे थे पानी डालने के लिए, तो उत्तर में वो बिल्ली ने अटैक किया और वो लेके जा रही थी और सीधा गर्दन पे अटैक किया था और तुरंत उसने आवाज दी कि तो बिल्ली को भगा दिया। अक्षत गया उसको लेके ट्रीटमेंट टेबल पे लेकिन वो मर गया। अमरप्रीत नाम था। अमरप्रीत हाँ। अब हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि हमें जो बाकी हैं उनको फिर हम ओपन यहाँ पे तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि अब बिल्ली को तो पता है ना। हाँ। और बिल्लियाँ फिर आती हैं दोबारा। नहीं ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम हुआ इस टाइप का? पहले भी होते रहते थे? नहीं मैम पहले चूचू तो काफी टाइम से रह रहा है, 2 साल से तो मेरे सामने यहाँ पे खुला रहता है, पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा ओके। तो अब हम चिकन्स को रख के से अभी तो नहीं रखा मैंने बाहर, उसी टाइम हमने अंदर कर दिया क्योंकि थोड़ी देर बाद जाके देखा बिल्ली फिर आ गई थी वहाँ पे। और अगर यहाँ पे खुले घूम ले चिकन्स तो फिर वही है कि वो भगवान भरोसे रहेगा क्योंकि अब हर वक्त 4-5 चिकन पे नजर रखना। तो 3 ही तो है, श्वेता 4 है। क्यों? श्वेता, अकबर 3 हो गए, सॉरी मैं 4 और अपना चूचू। चूचू अटैक ना करे लोगों। सॉरी ये चल रही है? हाँ थोड़ा ज्यादा ही वो ये तो अडॉप्ट हो जाएगी, इतनी प्यारी टेडी बियर जैसी। मैंने बात की है उनसे ना फोटो शूट करने के लिए, तो आज करवा लेंगे और अभी है 3-4 दिन तो देखते हैं, बाकी वहाँ जो केयर टेकर है कॉन्टेक्ट में रह के हो ही जाएगी फिर अगर अडॉप्शन के लिए कॉल आती है इसके लिए। और वो आर्मी वाले जो हैं उन्होंने वीडियो भेजा है? हाँ सर वीडियो भेजा है और उस टाइम तो टेम्परेरी उसके लिए अरेंजमेंट था और जम्मू निकल गया है बॉस और वो मैंने बोला है पहुँचने के बाद आप मुझे प्लीज वीडियो एक अच्छी भेजिए। आपने वो 2 इकट्ठे कर रखे हैं डॉग्स? 3 सर। कौन कौन है? स्वीटी एंड फैमिली। अच्छा तो ये स्वीटी एंड फैमिली पूरी स्टरलाइज हो रही है ना? हाँ जी।
कल कोई स्टूडेंट्स भी लाए हुए थे, वो पेरेंट्स के साथ आए थे। बहुत टाइम हो गया हमें आप लोगों को फॉलो करते हुए और देखते हुए। ये सोच लो कि बेटी जी छोटी थी तब से। हाँ, पेट डॉग को लेके आए हैं उसकी सर्जरी के लिए। आपकी पेट है कि स्ट्रे है? वो मतलब स्ट्रे है और पेट भी, मतलब हम ध्यान रखते हैं उसका, तो वो पेट भी हुई। और आप स्टरलाइज क्यों करा रहे हैं? इसलिए फ्यूचर के लिए। हाँ। मुंह है, करली है, डिंग डिंग, तो ये हमारे स्ट्रे पेट हैं। ओए बारिश 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 बारिश। ये मेरे ख्याल से पेपर आए हैं, जैसे क्योंकि मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखता हूँ ना, तो मैं पुराने पेपर पे लिखता हूँ, तो लोग मुझे भेज देते हैं। जैसे कोई भाई कोई स्कूल यूनिवर्सिटी में है तो पुराने पेपर भेज दिए, एक साइड पर तो मैं स्क्रिप्ट लिख ही सकता हूँ। कल कौन है ऊपर? मुझे लगा बंदर आ गए, सॉरी सॉरी। जो शिमला से आए थे उनका घर आपने कहा था यहीं है, तो डॉग हमारे यहाँ छोड़ गए हैं साथ ले गए? हमारे यहाँ डॉग मूंग की स्मेल है ये पूरी, यहाँ से पस भी निकल रही है इसको। आपने लास्ट ड्रेसिंग कब कराई थी? परसों। कल मैं ट्रेवल करके लेके आया हूँ इसको। स्थिति खराब है। वहाँ पे किससे चेकअप करा रहे थे? जो लोकल वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ से। गवर्नमेंट से फ्रैक्चर नहीं बताया? ये वाली फ्रैक्चर है, प्रॉपर एक्सरे वगैरह कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब टूटी भी है और इतना गहरा घाव भी है, आप एक्सरे वो फ्रैक्चर कैसे मैनेज करोगे? और अगर अभी फ्रैक्चर नहीं मैनेज करोगे, फिर बोन मैनेज करोगे, तो पैर तो टेढ़ा ही रह जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। अभी डांटेंगे हम अक्षित को, डांटेंगे कि भाई उसने क्यों किया ऐसे, इसके साथ क्यों पकड़ के रखा है। हम इनको फीड करते हैं डेली ना, एक दिन ये मिली नहीं हमें सुबह, काफ़ी ढूंढा, फिर नेक्स्ट डे जो मेरे साथ कलीग है मेरे, उन्होंने इसको देखा तो इसकी टांगे दोनों क्रैश हुई थी। दोनों पैर ही एम्पुटेशन की स्थिति में, एक पैर को तो एम्पुट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकता, और जो दूसरा पैर है उसको फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो पंजा है वो तक के डिस्टर्ब है पूरा ना। अगर वो सपोर्ट लेना सीख गया दोनों आगे के पैर से, कुछ डॉग रिकवर कर भी लेते हैं। और व्हील चेयर पर फिर आपको घर चाहिए। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, इंडियन ही है वो, पोलैंड रहती हैं, वो भी आएंगी। उन्होंने ऐसे डिसेबल्ड एक डॉग अडॉप्ट कर रखा है और वो उसके माध्यम से अवेयर करती हैं कि भाई डिसेबल्ड डॉग्स को अडॉप्ट करना है चैलेंजिंग, पर इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसका नाम रखा हमने? नहीं, इसका कद्दू रख सकते हैं नाम, कद्दू रख लेते हैं। कद्दू पंपकिन जो है, लेकिन बहुत मस्त हैवी डॉग है एकदम। कद्दू जबकि रहती स्ट्रीट में है। उसको देखा है आपने, उसकी मदर को? नहीं। ये चक्कर तो मिल रही है, वैसे ही चेहरा है। अरे सब लगा हुआ है ना ब्लैंकेट। कांप रही है, मुझे देख के ज्यादा कांपने से कुछ नहीं होगा, सुना कि मैं एक्स्ट्रा कुछ खिला दूंगा तुम्हें। एक मुर्गा है कल, मुर्गी है, मुर्गा मुर्गा है। ये वही है जिन्होंने लेके आना था? नहीं नहीं, ये तो वो तो अभी आया नहीं है। से उन्होंने एक घंटे पहले ही रेस्क्यू किया था। दोनों पांव बांध के रखा था, तो हमने पूछा ये इसको क्यों बांध के रखा, बोलते है बेचना है। आपने खरीद के लाया? हाँ, खरीद के नहीं लाया तो कहाँ देगा वो। हम भी वीगन है, आई एम टोटली वीगन। हम रख तो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है कि ओपन एरिया है तो थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। हाँ जी, है ना, कि सेफ तो हो जाएगा ना इसका। अभी तो इसको तो अभी मार देगा वो लोग, अभी खाएगा इसको। हमने बोला आप इसको बांध के क्यों रखा है, आपको अगर ऐसे बांध के रखेगा तो आपको पता लगेगा ना कैसे। दोनों पाँव बांध के रखा, देखो ये ऐसे एज इट इज ही बांध रखा था। यस यस, पहले बोलता 1500, फिर बोलता 1200। मैंने बोला शर्म नहीं आता तेरे को? इसके पैर में चोट लगे भी है? नहीं नहीं, रस्सा बंधा हुआ था, एक दो रस्से तो मैंने काटे, बड़े टाइट से बंधा था, ये वाला कटा नहीं कदम से, तो मैंने छोड़ दिया था। कल कमेंट्स में कोई अजीब सी बात कह रहा था, कहता है कि भाई आपका वीडियो हमने देखा, ठीक है अगर कोई जैसे जंगली मुर्गा घूम रहा है, मुर्गी घूम रही है, तो हम उसको नहीं खाएंगे, पर जिसको पैदा ही खाने के लिए किया गया और वो बचपन से पिंजरे में, तो हम तो उसको खा के मुक्ति दे रहे हैं। मतलब कंपैशन दिखाने का थोड़ा अलग तरीका था, मतलब पर चलो मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने एटलीस्ट सोचा। पर जो सोच में कमी रह रही है वो ये कि भाई अगर आप डिमांड कम करोगे तो उसको पैदा ही नहीं करेंगे। और हमारा वो चाचू काट रहा है बहुत ज्यादा, उसको रेबीज तो नहीं हो गया?
ऐसा तो कोई सिम्टम और दूसरा दिखा नहीं है सर, दो कारण बता रहे थे, एक तो कैस्ट्रेशन नहीं हुई है उसकी, मेल डोमिनेंस भी मतलब वो शो कर रहा है, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हॉर्स ऐसे बिहेव करते हैं। हम तो ओट्स वगैरह सब दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, कैरेट दे रहे हैं, ओट्स दे रहे हैं, हॉर्स फीड दे रहे हैं, साथ में और चना दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, बाकी सारे घोड़े नॉर्मल हैं, बिल्कुल ओके हैं। अभी कल जब ट्रीटमेंट करने गए थे सर, चेक कर रहे थे ना उसको, कम्प्लीट चेकअप हो रहा था, तब वो डॉक्टर गुलशन को भी काटने की कोशिश कर रहा था, वो चढ़ भी रहा था ना। नहीं नहीं ऐसे इंजरी हो जाएगी तो, वो सामने के पैर पूरे सामने शरीर पे रखने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि हम उसको कैस्ट्रेट कर दे, थोड़ा वेदर ठीक हो तो, तब तक हम सॉरी एक सेकंड, ये इसको अपनी मम्मी समझता है ना, उस दिन ये इसी का दूध पीने की भी कोशिश कर रहा था, त्रिकोण का, ये राजकुमार को लग रहा है ये इसकी मम्मी है, बट ये तो बैल है, त्रिकोण क्यूट, सॉरी आप कर दे। तो एक तो ये कर सकते हैं कि हम कैस्ट्रेट कर दें उसको, जैसे बारिश के बंद हो गए तब हमारे वेट्स जो हैं उनको इक्वाइन कैस्ट्रेशन का अनुभव है। इक्वाइन हो गए घोड़े, खच्चर, डंकी, तीनों इक्वाइन में आए। मेरे सामने तो एक भी नहीं हुआ है, दो साल में तो हमने नहीं देखा एक भी। फिर इक्वाइन का किसी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है सर, हम रेस्ट भी नहीं ले सकते यार। कल रेस्क्यू पे अपन लोग गए थे, वो जो वन पे रिलीज कर दिया, हमने काटा है, तार खुली हुई है, इतनी बड़ी तार थी ना, यही कोई बड़ी नहीं, गांठ खोल निकल। ये हमने यहाँ पे दूसरा तीसरा केस कर रहे हैं। यहाँ कोई आसपास है इस एरिया के अंदर पीछे शायद कि जो लगा देता है एनिमल ट्रैप, और इन बेचारे बेसुर जानवरों के लिए आफत का बन जाता है, जान के ऊपर बन जाती है इनके। अगर बंदे का पता चल जाए तो एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए, कौन है वो आदमी, ताकि हम उसको या तो हाथ जोड़ के समझाएं, और अगर नहीं समझे तो फिर उसकी कंप्लेंट की जाए। पर ये देखना भाई खा गया कि कोई दिक्कत होता है, फोन करना ठीक, खाने वाली चीज में डाल रहा मैं। आज लोहड़ी भी है तो एक मिठाई भी हो जाएगी, लोहड़ी मेल था, मैंने बोला था कि अगर फीमेल होगी या थोड़ी इंजरी होगी तो भी ले आना, क्योंकि हम कैसे तो कर ही देते हैं, कर देंगे। जो कल हम वाइट ट्रैप डॉग करने गए थे ना, वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें डोनेशन भी दी, गज्जक भी खिलाई, लोड़ी भी दी। तो तुम उनको अच्छा इसलिए बता रहे हो, उन्होंने डॉग की मदद करी या तुम्हें गज्जक दिया, पीपल फार्म को डोनेशन दी, तीनों में से क्या? बंदों से बात करके एक होता है ना भाई बात, ये कि हाँ बिना किसी लालच के किसी को प्यार करना है, वो वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ जाके। ये भी बड़ी क्यूट है यार, इसको तो ये तो ट्रामाडोल दे रखे होगे, आई होप हमने, है ना। ट्रामाडोल वो ओपिएट पेन किलर है, जैसे लोगों को मॉर्फिन वगैरह देते हैं ना जब ज्यादा दर्द होता है। हमारे पास व्हीलचेयर पड़ी है ना मुंह की, अगर ये ठीक हो जाती है और आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम आपको व्हीलचेयर साथ में दे देंगे। अमरप्रीत को बिल्ली ने मारा, हमने उसको बचाने की कोशिश करी, फिर वो उसकी डेथ हो गई। फिर उसका किया क्या है आप लोगों ने? सर अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने उसको, अगर हम दबा देते हैं तो वेस्ट है ना, दो को खिला देते हैं मेरे हिसाब से तो, दबाने से बेटर हम दो को के। लोग बुरा मनाएंगे नहीं, हो सकता है कि आपको मेरी बात इनसेंसिटिव लगे, पर जैसे जब संजू की डेथ हुई थी मैंने तब भी यही कहा था कि चलो संजू तो ये है कि मंदिर में चढ़ाया हुआ है तो लोगों की रिलीजियस भावनाएं आहत होती, तो मैं समझ सकता हूँ, पर एक एनिमल जब मर गया है तब तो उसका बेस्ट यही है यूज कि उसको कोई खा ले। मैं तो इंसानों के लिए भी यही कहता हूँ कि जैसे पारसियों में भी तो वो ऐसे ओपन बरियल होता है, वो चील कौए खा जाते हैं, वो बेस्ट है। जब बस इसलिए थी ना कि उसका बिल्ली का बाइट था ना उसमें, बिल्ली का, इस वजह से हम लोग। अरे जो बाजार में लोग मुर्गे खा रहे हैं वो आपको क्या लगता है वो देख रहे हैं कि उनको तो कैंसर भी होता है और इतनी बीमारियां जितनी गंदगी में पाला होता है लोग खा रहे हैं। शक्ल देख लेता कोई एक बार डर तो खाएगा कोई नहीं। राजकुमार पंडित सर सारे सुन रहे हैं।